हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध, जिसके अंतर्गत आज मैं आपको करवा रही हूँ परीक्षा संबंधी इस पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पाठ का सार करवा चुकी हूँ, पाठ के पीछे वाले क्वेश्चन आंसर जो बुक में होते हैं वो भी करवा चुके हैं एक वीडियो में। आज का वीडियो है हमारे बीच वाले क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत, कि पाठ के बीच में से क्वेश्चन आंसर कुछ और अलग क्वेश्चन आंसर पाठ से संबंधित थी वो क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी के निबंध में उनके साहसिक कार्य के साथ साथ उनकी प्रबुद्धता के दर्शन होते हैं, स्पष्ट करें। इसका उत्तर, द्विवेदी जी के समय में ऐसे लोगों का जमावड़ा था जो तरह तरह के कुतर्क देकर स्त्री शिक्षा का विरोध करते थे। ऐसे लोगों के व्यर्थ के कुतर्कों के सामने शिक्षित लोग मौन रहते थे और व्यर्थ की बहस कुतर्क बताकर बचते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि स्त्री शिक्षा के विरोधी इसे अपने जीत समझते और सही मानते थे। ऐसे समय में द्विवेदी जी ने ऐसे विरोधियों को बोलबाला देखते हुए स्त्री शिक्षा के अकाट्य तथ्य प्रस्तुत कर जो साहसिक कार्य किया और पौराणिक ऐतिहासिक उदाहरण देकर अपनी प्रबुद्धता का जो परिचय दिया वह निश्चित ही सराहनीय है। पाठ का संदेश, इस पाठ से क्या संदेश देना चाहता है लेखक वो स्पष्ट करना है। इसका उत्तर देखिए, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधियों की जो छिछालेदार की है, यानी कि जो उन्होंने तर्क दिए हैं, जो कुतर्क दिए हैं, उनका जो उन्होंने खंडन किया है उसका, और स्त्री शिक्षा का जो समर्थन किया है उससे उनका संदेश स्पष्ट है कि स्त्री शिक्षा के अभाव में देश का गौरव बनाए रखना संभव ही नहीं है। स्त्री शिक्षा का ही प्रभाव है कि आज प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण उत्साह से पुरुषों के साथ वे कार्यरत हैं। अतः आज स्त्रियों के लिए शिक्षा उतनी ही आवश्यक है जितनी पुरुषों के लिए। परिवार, समाज, राष्ट्र के वैभवपूर्ण और समृद्ध बनाने के लिए उनकी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। यथासंभव परिवेश के अनुसार शिक्षा में संशोधन करते रहना भी चाहिए। प्रश्न तीसरा है, परंपराएं विकास के मार्ग में अवरोधक हों तो उन्हें तोड़ने में ही हित है, कैसे? इसका उत्तर, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समय काल अनुसार के अनुसार हमेशा परिस्थितियां बदलती रहती हैं। परिस्थितियों के अनुसार देश काल को देखते हुए परंपराओं का महत्व होता है। स्थितियों के अनुसार अनेक परंपराएं स्वयं ही टूटती और बनती रहती हैं। जो परंपराएं आज औचित्यहीन हो चुकी हैं तथा अवरोधक बनी हुई हैं उन्हें तोड़ देना ही उचित है, भले ही पौराणिक काल से चली आ रही हों। परंपराओं के अनुसार स्त्री के लिए पति सर्वथा पूजनीय है। इन परंपराओं की दुहाई देकर पुरुष स्त्रियों पर अत्याचार करता रहा है, अतः पुरुष को अपने अस्तित्व को बनाए रखना है तो इस परंपरा को तोड़ने में ही हित है। शकुंतला और सीता का उदाहरण देकर लेखक क्या सिद्ध करना चाहते हैं? इसका उत्तर है, देखिए, शकुंतला और सीता का उदाहरण देकर लेखक बताना चाहता है कि पुरुषों के द्वारा स्त्रियों के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है। शांत और विनम्रता की प्रतिमूर्ति स्त्री पुरुषों के अत्याचारों को तभी सहन कर सकती है जब तक उसका धैर्य साथ देता है। धैर्य टूट जाने पर सामान्य से सामान्य स्त्री ब्रह्मास्त्र बन सकती है। अतः पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के बारे में सोचना चाहिए और अपनी प्रवृत्ति में सोच में परिवर्तन लाना चाहिए, अन्यथा अहित की संभावना निरंतर बनी रहती है। प्रश्न पांच, स्त्री शिक्षा का विरोध लेखक के अनुसार कैसे लोग करते हैं जिन्हें विरोध करते हुए देखकर लेखक क्या प्रकट करता है? इसका उत्तर देखिए, लेखक के अनुसार स्त्री शिक्षा का विरोध ऐसे लोग करते हैं जो सुशिक्षित हैं, जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के साहित्य ग्रंथ से परिचय रखते हैं, जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना है, कुमार्गगामियों से सुमार्गगामी बनाना है, अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है। ऐसे लोगों का विरोध करते हुए देखकर शोक प्रकट करता है। प्रश्न छह, पुराने जमाने में भी स्त्रियां अपढ़ थीं, इस विषय में स्त्री शिक्षा के विरोधी क्या क्या दलीलें देते हैं? इसका उत्तर, पुराने जमाने में स्त्रियां अपढ़ थी, इस विषय में स्त्री शिक्षा के विरोधी तर्क देते हैं कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपड़ों की भाषा में बातें कराई गई हैं, अतः स्त्रियों को पढ़ने की चाल न थी, यदि होती तो उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। इसका अगला है आपके पास में, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला ने जो कटु वाक्य कहे वह पढ़ाई का दुष्परिणाम था। जिस भाषा में शकुंतला ने जो श्लोक लिखा वह अपड़ों की भाषा थी।
प्रश्न सात करेंगे अब हम आगे। देखिए प्रश्न सात में, प्राकृत केवल अपढ़ों की नहीं बल्कि सुशिक्षितों की भी भाषा थी, इस संदर्भ में लेखक ने क्या कहा है? इसका उत्तर देखिए, लेखक ने बताया है कि उस समय प्राकृत जन प्रचलित भाषा थी जिसे सुशिक्षित भी बोलते थे। शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था, उसके कोई प्रमाण नहीं है। प्राकृत केवल सामान्य लोगों द्वारा बोली जाने वाली केवल प्रचलित भाषा ही नहीं थी, अपितु प्राकृत में हजारों धर्म ग्रंथ भी लिखे गए हैं। बौद्धों और जैनों के ग्रंथ भी इसी भाषा में लिखे गए हैं। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ भी की रचना भी प्राकृत में की गई है। शाक्य मुनि और उनके शिष्य प्राकृत में धर्मोपदेश करते थे। अतः प्राकृत जन प्रचलित ऐसी भाषा थी जिसे केवल अपढ़ ही नहीं अपितु सुशिक्षित भी बोलते थे। प्रश्न आठ, सर्वसाधारण की प्रचलित भाषा प्राकृत, यदि अपढ़ होने का चिन्ह है तो आज लेखक के विचार से वे सभी अपढ़ ही हैं जो प्रचलित भाषा में लिखते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर देखिए, लेखक ने स्पष्ट किया है कि पुराने जमाने में प्राकृत बोलना या लिखना अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य और कुमाल पारचरित आदि प्राकृत में लिखे हैं, ये वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो आज प्रचलित भाषा में हिंदी में या अन्य प्रचलित भाषा में लिखने वाले प्रसिद्ध से प्रसिद्ध समाचार पत्रों के संपादक इस जमाने के अपढ़ गंवार ही कहे जा सकते हैं। नवा, पुराने जमाने में नियमबद्ध शिक्षा प्रणाली का उल्लेख न मिलने पर लेखक ने आश्चर्य नहीं माना, क्यों? देखिए ये क्वेश्चन कि पुराने जमाने में नियमबद्ध कोई शिक्षा प्रणाली नहीं मिली, इसको लेखक ने आश्चर्य नहीं माना, क्यों नहीं माना? लेखक पुराने जमाने में नियमबद्ध शिक्षा प्रणाली का उल्लेख न मिलने पर आश्चर्य नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना है कि हो सकता है कि उसका उल्लेख कहीं रहा हो और नष्ट हो गया हो। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे परंतु उनके बनाने की विद्या का कहीं कोई शास्त्र नहीं है। पुराणों में विमानों और जहाजों द्वारा की गई यात्राओं के उदाहरण मिलते हैं और हम उनके अस्तित्व को गर्व से स्वीकार भी करते हैं, परंतु विमान बनाने का शास्त्र या विद्यालय न होने पर कोई आश्चर्य नहीं करते हैं। लेखक भी नियमबद्ध शिक्षा प्रणाली का उल्लेख न होने पर उसके अस्तित्व को स्वीकार करता है। दसवां क्वेश्चन देखिए, स्त्रियां शैक्षिक दृष्टि से पुरुषों से कम नहीं रही हैं, स्त्रियां गौरव की प्रतीक हैं, इसके लिए लेखक ने क्या क्या उदाहरण प्रस्तुत किए हैं? इसका उत्तर, स्त्रियां शैक्षिक दृष्टि से पीछे नहीं थी। इस संदर्भ में लेखक ने उदाहरण दिए हैं कि अत्रि की पत्नी ऐसी ही स्त्री थी जो स्त्री धर्म पर घंटों आख्यान देती थी। गार्गी ऐसे ब्रह्मवादिनी थी जो बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को भी हरा देती थी। मंडन मिश्र की ऐसी ही सधर्मचारिणी थी जिसने महाविज्ञ शंकराचार्य के छक्के भी छुड़ा दिए थे। इस तरह लेखक ने इन्हें स्त्री समाज का गौरव बताकर स्पष्ट किया है कि उस जमाने में स्त्रियां पुरुषों से पीछे नहीं थी। प्रश्न 11, द्विवेदी जी स्त्री शिक्षा विरोधियों से किस कल्पना को अपने मन में स्थान न देने के लिए कहा है? द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधियों से आग्रह किया है कि यदि मान भी लिया जाए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही उस जमाने में स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी, पर अब तो उन्हें पढ़ाने की जरूरत है। जब हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है तो स्त्रियों को अपड़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। साथ ही स्त्री शिक्षा विरोधियों से प्रार्थना है कि उन्हें इस कल्पना को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सभी स्त्रियाँ अपड़ थीं अथवा उन्हें पढ़ने की आदत न थी। तो आज के वीडियो बच्चों है हमारे पास में स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इस पाठ में से CBSE और NCERT दोनों के अंदर ही ये पाठ लगा हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।